बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज हम अपर लिम को डिस्कस करेंगे, अपर लिम में ह्यूमरस को डिस्कस करेंगे। जो पार्ट वन था उसके अंदर हमने एनाटॉमी ह्यूमरस की डिस्कस की थी। आज हम उसके में मसल अटैचमेंट्स को देखेंगे कि ह्यूमरस के ऊपर कौन कौन से मसल्स अटैच हो रहे हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो सुप्रास्पाइनेटिस मसल है वो इंसर्ट होता है आपके ग्रेटर ट्यूबरकल के इम्प्रेशन के ऊपर, और जो इंफ्रास्पाइनेटस मसल है वो इंसर्ट हो रहा है मिडिल इम्प्रेशन ऑफ द ग्रेटर ट्यूबरकल। जो ग्रेटर ट्यूबरकल का मिडिल इम्प्रेशन है उसके ऊपर इंफ्रास्पाइनेटस मसल जो है वो इंसर्ट हो रहा है। इसी तरह जो पेक्टोरलस मेजर मसल है वो इंसर्ट होता है जो इंटर ट्यूबरकल सल्कस के लेटरल लिप के ऊपर। ये पेक्टोरलस मेजर मसल है, ये लेटरल लिप है इंटर ट्यूबरकल सल्कस का। और इसी तरह जो लैटिसमस डोर्साई मसल है वो इंसर्ट हो रहा है इंटर ट्यूबरकल सल्कस के फ्लोर के ऊपर। देन जो डेल्टॉइड मसल है वो इंसर्ट हो रहा है डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी के ऊपर। आगे डायग्राम के ऊपर चल के देखते हैं। अब जो आपके पास जो डेल्टॉइड मसल है, ये डेल्टॉइड की अटैचमेंट है, ये कहाँ पे इंसर्ट हो रहा है डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी के ऊपर, इस जगह पे। और उसके बाद आ जाता है हमारे पास कोरैको ब्रैकियलिस मसल है जो कि इंसर्ट हो रहा है मीडियल बॉर्डर के ऊपर, जो उसका रफ सा एरिया है मिडल पे, उस जगह पे ये कोरैको ब्रैकियलिस की अटैचमेंट है। और उसके बाद आ जाता है हमारे पास ब्रैकियलिस मसल जो कि अराइज हो रहा है हमारे लोअर हाफ में से, और ये इसकी जो डायरेक्शन है वो एंटीरियो मीडियल भी है और एंटीरियो लेटरल सरफेस भी है शाफ्ट की, उस पर इसकी अटैचमेंट है ब्रैकियलिस मसल की। उसके बाद आ जाता है हमारे पास ब्रैकियो रेडियलिस मसल। ब्रैकियो रेडियलिस मसल जो है वो अराइज हो रहा है अपर टू थर्ड ऑफ द लेटरल सुप्राकोंडाइलर, जो लेटरल सुप्राकोंडाइलर रिज है उसके अपर टू थर्ड के ऊपर इसकी अराइज है। इसी तरह हमारे पास है एक्सटर्नल कार्पा रेडियलिस लॉन्गस जो कि हमारे लोअर वन थर्ड है लेटरल सुप्राकोंडाइलर का, उधर उसकी अटैचमेंट है। ये जैसे और उसके बाद जो प्रोनेटेड टीरीज मसल है वो लोअर वन थर्ड है मीडियल सुप्राकोंडाइलर रिज के ऊपर। इसी तरह लेटरल हेड ऑफ ट्राइसेप ब्रैकाई मसल जो है वो अराइज हो रहा है ओब्लीक रिज जो है पोस्टीरियर सरफेस के ऊपर रेडियल ग्रूव से, वहाँ से उसकी अरेंजमेंट है। अब हम जो है ये सारी मसल अटैचमेंट्स आ जाती थी, अब हम डिस्कस करेंगे ह्यूमरस के फ्रैक्चर्स के ऊपर। अब ह्यूमरस के जो फ्रैक्चर्स होते हैं वो बेसिकली ट्रॉमास की वजह से होते हैं। कौन कौन सी काजेज हैं वो देखते हैं। जो मेन काजेज हैं वो हैं कार एक्सीडेंट की वजह से आपका ह्यूमरल हेड जो है वो फ्रैक्चर हो सकता है, आपकी फॉल जब आप करते हैं तो उसमें पोजीशनिंग ऐसी होती है जिसमें ह्यूमरस का फ्रैक्चर हो सकता है, स्पोर्ट इंजरीज हो सकती हैं, या फिर ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है कि आपकी बोन बहुत ज़्यादा वीक हो तो तब भी आपका ह्यूमरस का फ्रैक्चर पॉसिबल है। सुप्राकोंडाइलर ह्यूमरस फ्रैक्चर, सुप्राकोंडाइलर ह्यूमरस फ्रैक्चर जो है वो ह्यूमरस का फ्रैक्चर है बिल्कुल एल्बो से थोड़ा सा ऊपर, ये इस जगह पर, और इसको हम सुप्राकोंडाइलर फ्रैक्चर बोलते हैं। ये बेसिकली होता मोस्टली जो है वो बच्चों के अंदर है, और इसको एल्बो का फ्रैक्चर भी कहा जाता है। देन ओपन और क्लोज फ्रैक्चर को डिस्कस करते हैं। जो ओपन फ्रैक्चर है इसमें आपकी जो बोन होती है वो स्किन को ब्रेक करती है, और ओपन फ्रैक्चर्स थोड़ा हील होने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लेते हैं और उनके अंदर इन्फेक्शन और कॉम्प्लिकेशन के चांसेस जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। लेकिन जो क्लोज फ्रैक्चर होता है वो भी सीरियस होते हैं, लेकिन उनके अंदर जो बोन है वो आपकी स्किन को डैमेज नहीं करती या पुश आउट नहीं करती। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास डिस्प्लेस और नॉन डिस्प्लेस फ्रैक्चर। जो डिस्प्लेस ह्यूमरस का फ्रैक्चर है वो उसके अंदर ये होता है कि जो आपकी बोन के जो पीसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा आपके
मतलब एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर हो जाते हैं और एक गैप सा बन जाता है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं ये गैप सा जनरेट हो जाता है। लेकिन जो नॉन डिस्प्लेस ह्यूमरल फ्रैक्चर है, इसके अंदर जो है पीसेस जो है बोन के, वो इतने ज़्यादा दूर नहीं जाते, बल्कि वो एक अलाइनमेंट में रहते हैं इस तरह कि उनकी अलाइनमेंट जो होती है वो चेंज नहीं होती। लेकिन जो डिस्प्लेस फ्रैक्चर होता है उसमें जो नॉर्मल अलाइनमेंट है वो थोड़ी डिस्टर्ब हो जाती है। अब डायग्नोस्टिक टेस्ट देखते हैं। डायग्नोस्टिक टेस्ट जो है वो एक्सरे है, उसमें आप इमेज ले सकते हैं। फिर फर्दर अगर आपने टिश्यूज़ वगैरह की देखनी है अलाइनमेंट, तो उसमें आप MRI वगैरह करवा लेते हैं, CT स्कैन कर सकते हैं। अब ट्रीटमेंट में क्या है कि आप इमोबिलाइजेशन कर सकते हैं। इमोबिलाइजेशन के अंदर आप पेशेंट को या तो स्लिंग का की एडवाइस कर देते हैं, या कास्ट अप्लाई कर सकते हैं। क्लोज रिडक्शन है उसके अंदर, आप ये एनेस्थेटिक एनेस्थीजिया देके पेशेंट को, और उसके बाद जो आपकी बॉडी है उसको पुल डाउन करना होता है। इंटरनल फिक्सेशन है, आर्थोप्लास्टी है। आर्थोप्लास्टी के अंदर जो है वो आपकी टिश्यूज़ की रिप्लेसमेंट है, बेसिकली जॉइंट रिप्लेसमेंट हो जाती है। और बोन ग्राफ्टिंग के अंदर आप अपनी बॉडी में से ही या किसी बाय डोनर से बोन के टिश्यूज़ लेके आप ग्राफ्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर ये सारे उसके केसेस हैं। और फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट के अंदर आप पेशेंट को ये सारे ट्रीटमेंट के बाद आप उसकी रेंज ऑफ मोशंस को बैक टू नॉर्मल लाते हैं, उसके बाद उसकी स्टेबिलिटी को मेंटेन करते हैं, उसकी स्ट्रेंथनिंग के ऊपर काम करते हैं और उसकी फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर काम करते हैं। That's all.